हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग, अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए बात करते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं रेलवे में नौकरी कैसे मिलती है। आप लोगों को अगर रेलवे में नौकरी करनी है लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे मिलती है या फिर कितने टाइप की नौकरी होते हैं, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए हम लोग एक नज़र देखते हैं कि हम आपको इस वीडियो में क्या सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक हुआ कि रेलवे में नौकरी कौन कौन से टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, रेलवे में नौकरी के क्वालिफिकेशन पे कौन से मतलब कौन से क्वालिफिकेशन पे कौन सी नौकरी मिलेगी, उसका रेलवे में नौकरी के लिए आरक्षण व्यवस्था क्या है, और उसका रेलवे में नौकरी के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम उम्र सीमा कितनी होती है, रेलवे में नौकरी के लिए कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और लास्ट में रेलवे में नौकरी के लिए आपको तैयारी किस तरह से करनी है, वो भी घर बैठे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, रेलवे में नौकरी कौन कौन से टाइप के होते हैं। अब देखिए, रेलवे में नौकरी भी बहुत टाइप के होते हैं, उसकी प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो बेसिकली ये चार कैटेगरी हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले आपका है ग्रुप डी लेवल, ग्रुप डी लेवल जो कि मैट्रिक के बाद आ जाती है। एक उसके बाद है ग्रुप सी लेवल, जिसकी भर्ती NTPC के द्वारा होती है। उसके बाद ग्रुप बी लेवल, ग्रुप बी लेवल तो इसमें ऑफिसर कैटेगरी की जो जॉब होती है, जैसे गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, या फिर जो ग्रेजुएशन लेवल पर मिलती है वो होती है ग्रुप बी की, और ग्रुप ए में कहीं नहीं मिलती है। उसका फिर देखिए, ओके, तो ये रहा आपका। उसका फिर देखिए एक है टेक्निकल लेवल, जिसमें कि ITI और पॉलिटेक्निक या फिर BTech इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको टेक्निकल लेवल पर नौकरी मिलेगी, जो कि आपको लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ये सब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेलवे में नौकरी क्वालिफिकेशन पे कौन मतलब कौन से क्वालिफिकेशन पे कौन सी आपको नौकरी मिलेगी। तो सबके सबसे पहले टेंथ पे आपको ग्रुप डी का नौकरी मिलेगा, और टेंथ के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक कर लिए या फिर ITI कर लिए तो आपको लोको पायलट मिल सकती है, टेक्नीशियन मिल सकती है। उसका फिर देखा 12 बेसिस पे आपको कौन सी नौकरी मिलेगी, TC यानी कि जो टिकट चेक करते हैं वो आपको नौकरी मिलेगी, या फिर RPF की नौकरी मिलेगी। तो ये रहा आपका 12th पे, और 12th पे आपको ये रहा बेसिकली, और इसकी जो भर्ती NTPC के द्वारा होती है। और उसका फिर देखिए BA कर लिए, BSc कर लिए, यानी BCOM कर लिए तो इस पर भी आपको मिलेगी नौकरी, जो ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी होती है उसमें ये सब डिग्री प्लेस, जैसे गुड्स गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, TACA ये सब हो गया। इसके अलावा आपको TACA, गुड्स गार्ड ये सब बनने के लिए आपको BTech कर लिए तब भी आप इसमें बन सकते हैं, क्योंकि BTech भी तो आपका ग्रेजुएशन का डिग्री देता है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से कर लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसका फिर देखिए ITI और डिप्लोमा लेवल पे आपको क्या से मिलेगी, वो आपको लोको पायलट टेक्नीशियन मिल जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेलवे में नौकरी के लिए आरक्षण व्यवस्था क्या है। आप लोग को रेलवे में नौकरी के लिए आरक्षण व्यवस्था, आप लोग कोई ना कोई कैटेगरी से तो जरूर बिलोंग करते होंगे। जनरल कैटेगरी, देखिए भारत में जो आरक्षण व्यवस्था है वो पहले था 50%, लेकिन उसको बढ़ा के 60% किया गया, और 10% आरक्षण जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को दिया गया है आर्थिक आधार पे। जनरल कैटेगरी में जो भी जातियां आती हैं, उच्च जातियां, और उन लोग में जो पिछड़ेपन में आ रहे हैं, जो कि जिनकी आय मतलब मासिक आय या फिर सालाना आय जो है ज़्यादा नहीं है, कम है, तो उन लोगों को जनरल में आर्थिक आधार पर आरक्षण दी गई, जो कि 10% है। इसके अलावा ST कैटेगरी में, यानी कि इसमें 7.5% आरक्षण है। उसके बाद SC कैटेगरी में 15% आरक्षण है। इसके बाद है OBC कैटेगरी में 27% आरक्षण है, यानी कि पूरा का पूरा 60% आरक्षण व्यवस्था के तहत नौकरी मिलेगी। और 40% होती है वो जनरल कैटेगरी, उसमें कोई भी आ सकता है, जिसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट भी आ सकते हैं, और इसमें से जो भी स्टूडेंट ज़्यादा मार्क करते हैं तो वो लोग भी उसमें आएंगे। उसके बाद है आपको आपके सीट के अंदर में अगर आप लोग DQ से बिलोंग करते हैं, यानी कि डिसेबल कोटा, यानी कि आपका विकलांग श्रेणी में आते हैं, तो आपको इसी के अंदर में आपके लिए भी सीट फिक्स रहती है। और उसके बाद एक्समैन आर्मी, अगर आप आर्मी से बिलोंग करते हैं, मतलब कि एक्स आप आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, 36 से लेकर 40 साल तक के उम्र में वो लोग रिटायर होते हैं, तो उनके लिए भी सीटें आरक्षित रहती है कुछ परसेंट, वो सब जब वैकेंसी निकलती तब पता चलता था। ये आपको एक आइडिया मिल गया हो कि कितना परसेंट आपको आरक्षण है। और हमारी तरफ से मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये सब चीज़ में है तो है, लेकिन बिलीव मत करिए, और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छा से अच्छा तैयारी करिए, ये सब का ज़्यादा फायदा कभी मिलता नहीं। SC ST, अब देखिए इसमें गलत फहमी कहाँ पर आती है, मैं आप लोगों की गलत फहमी को दूर कर देता हूँ। जनरल कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट आते हैं, उन लोगों को लगता है कि जो नौकरी में आरक्षण है वो SC ST OBC ये सब के लिए आरक्षित हो गई है, और जो लोग SC ST कैटेगरी में आते हैं वो लोग सोचते हैं कि यार कि
हम लोग को बिना पढ़े ही मिल जाएगी नौकरी, तो ये सब गलत भावना है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो दुनिया इंटरनेट का चल रहा है और ज्यादा कुछ इस सब का मतलब फायदा होता नहीं, बस 2-4% नंबर ऊपर या नीचे होती है। आप लोग के सभी लोगों के पास समान रूप से अधिकार मिला है, पढ़ाई करने का मौका मिला है। पहले ये सब व्यवस्था मतलब थोड़ा ज्यादा मतलब डिफरेंस था, मतलब कि बहुत ज्यादा अंतर रखता था कि पहले जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते तो आपको 75 नंबर की जरूरत पड़ती, और आप SC ST में आते तो आपको 40-35 पे भी हो जाता। लेकिन अभी ऐसा कोई बात नहीं है, अभी दोनों 1 या 2 नंबर का अंतर है, अब ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे। और रेलवे में नौकरी के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम उम्र सीमा कितनी, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कम से कम कितना। तो भारत में नौकरी के लिए जो आप लाभ के पद लीजिएगा नौकरी के लिए, वो सेना को छोड़ करके यानी कि कुछ पोस्ट जैसे कि आर्मी है, नेवी है, उसमें 18 से कम के भी लिया जाता है जैसे NDA वगैरह में, लेकिन 18 साल ये मिनिमम है। कम से कम आपकी उम्र जो है 18 साल होना चाहिए। वो कब, जब फॉर्म निकले, जब आपके फॉर्म निकलेगा तो वहां पे बोल देगा 1 मार्च तक आपका उम्र 18 साल होना चाहिए, अगर 1 दिन भी कम होगा तो आपको नहीं लिया जाएगा। तो 18 साल कम से कम तो होना ही चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये घटते बढ़ते रहती है, मैक्सिमम जो है वो घटते बढ़ते रहती है। अभी कुछ दिन पहले इसको 18 से लेके 28 साल किया गया था, लेकिन उसको फिर से बढ़ा करके पहले 18 से 30 था, उसको 18 से 28 किया गया, फिर दोबारा से 18 से लेकर 30 कर दिया है। यानी कि 18 साल आपका कम से कम होगा, मैक्सिमम आपका 30 साल उम्र होगा वो फॉर्म भरते समय, ठीक है। और अब देखिए ये तो जनरल कैटेगरी के लिए हो गया, अब SC और ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी आप 18 से लेकर के 35 साल की उम्र तक फॉर्म डाल सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी आपको 18 से लेकर के 33 साल की उम्र तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और है रेलवे में नौकरी के लिए कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, आपको अगर रेलवे में नौकरी करनी है तो आपको कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो वैकेंसी निकलेगी उसके लिए आपको फॉर्म भरवाया जाएगा। पहले फॉर्म ऑफलाइन भरती थी, आपको किताब दुकान पे फॉर्म मिलता था, लेकिन अब आपको फॉर्म कहाँ मिलेगी, जब वैकेंसी निकलेगी तो आपको फॉर्म जो है रेलवे की वेबसाइट पे आपको मिलेगी, वहीं से आपको फॉर्म भरना है साइबर कैफे में जाकर के। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आप अगर सही से फॉर्म भर दिए, सारे डिटेल्स अच्छे से फिल कर दिए, तो आपको एग्जाम का एक डेट फिक्स होता है, उस एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड मिलती है। आपको एग्जाम सिटी में जाना पड़ता है जहाँ पे एग्जाम होगी, हो सकता है आपके होम सिटी में हो या फिर हो सकता है आपके घर से 3-4 स्टेट बाद हो, तो वो अलग बात है। तो पहले आपको फॉर्म भरवाया जाता है, उसके बाद आपका एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम जरूरी नहीं कि आपको एक ही एग्जाम होगा, हो सकता है आपको 2-3 एग्जाम भी हो जाए, तो इसके लिए घबराना नहीं है। तो एग्जाम होगी, उसके बाद देखिए आपका वेरिफिकेशन, अगर आप एग्जाम को पास कर लिए हैं, एग्जाम को पास करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होता है, यानी आपने जो भी फॉर्म में जो डिटेल आपने डाला था कि हम SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर OBC से बिलोंग करते हैं या फिर हमारी डिग्री ये है SC ST, जो भी जो कुछ भी आपके पास डिग्री है वो सब वहां पे दिखाना पड़ता है। ओके, तो ये उसका वो आपका पेपर जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन होता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं, बहुत सारे लोग लगता है इंटरव्यू होता है वेरिफिकेशन के नाम पे, लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आपके आपके जो सर्टिफिकेट है उसको चेक किया जाता है कि वो सही है या फिर गलत है, या फिर आपके अगर आप कोई भी गलत फॉर्म भर दिए, एग्जाम भी पास कर ले, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है सही तो आपको वहीं से छांट दिया जाता है। आपको वेरिफिकेशन करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, और मेडिकल बहुत टाइप होते हैं, A1 मेडिकल, A B मेडिकल, C मेडिकल, ये अलग अलग कैटेगरी का मेडिकल होता है। तो आपको जो भी फॉर्म भरे हैं, जैसे कि आपको लोको पायलट आप फॉर्म भरे हैं तो आपका मेडिकल A1 मेडिकल लिया जाएगा, आपका अगर A1 मेडिकल नहीं हुआ तो आपको वहीं से छांट दिया जाएगा। तो आपको उसके बाद मेडिकल लिया आता है, मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलती है, ज्वाइनिंग के बाद आपको ज्वाइन कर लिया था ड्यूटी के लिए, लेकिन आपको जब ड्यूटी में ज्वाइन करिएगा ड्यूटी आपका चालू रहेगा, पैसा आपको मिलता रहेगा, लेकिन उसी में थोड़े दिन के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि लोको पायलट में आपको 6 महीना का ट्रेनिंग मिलता है, टेक्नीशियन में भी 1-2 महीना की ट्रेनिंग मिल जाती है, ग्रुप डी में जब ज्वाइनिंग करिए उसमें भी आपको ट्रेनिंग मिली, ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है, तो इससे आपको ट्रेनिंग, ये आपका प्रक्रिया। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ गए होंगे। अब देखिए इस सबसे मेन क्या होती है, एग्जाम होती है, तो एग्जाम के लिए नौकरी के लिए कौन सी किताबें और घर बैठे कैसे तैयारी करें, तो इसके लिए आपको हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि मार्केट में जो किताब मिलती है उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट जो किताब है वो है आपका लुसेंट किताब, लुसेंट GS है और लुसेंट साइंस है। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको नौकरी बिल्कुल लग सकती है, इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अगर आपको क्वेश्चन लेकिन उसको पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, तो जैसे GS के लिए आपको पढ़ना है, GS और साइंस के लिए लुसेंट पब्लिकेशन की किताब पढ़नी है,
और इसका मैथ के लिए आपको आर एस अग्रवाल पढ़ना है, रीजनिंग के लिए भी आर एस अग्रवाल का ही किताब आता है या फिर एस चंद का भी किताब आता है। तो इसका उपकार पब्लिकेशन भी काफ़ी अच्छी किताबें बनाती है, हमें कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं किया है, मैं बस जो पॉपुलर किताब है वही के बारे में बता रहा हूँ। उसका फिर देखिए मास्टर नोट्स को मैंने लिखा है, आपको ये सब किताबें पढ़ने में ज़्यादा समय लग रहा है, आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमने मास्टर नोट्स लिखा है, तो आप इस मास्टर नोट्स को मंगवा करके आपको अगर मास्टर नोट्स पढ़ लेते तो आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर यूँ कहें आप अगर मास्टर नोट्स पढ़ लेते तो और सब किताबें आप आसानी से कवर कर सकते हैं, वो सब मेटेरियल आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो मास्टर नोट्स आप पढ़ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट की मास्टर नोट मैंने ही लिखा है। उसके बाद आपको घर बैठे अगर आपको कोचिंग करनी है तो स्मार्ट वीडियो कोचिंग का आपको हम एक एप्लीकेशन देंगे, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं, तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं 3 से 4 महीने के अंदर। इसके अलावा अगर आपको हमसे डायरेक्टली पढ़ना है, मुझसे पढ़ना डायरेक्टली, तो आप ACS हॉस्टल में आपको आना पड़ेगा, इसका एड्रेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। या फिर इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक आपको समझ में आती, जो आपको जो भी कोचिंग अच्छा लगे, जो भी आपको किताबें अच्छी लगे, वो आप पढ़ लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है रेलवे में नौकरी के लिए मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग आपको लेना होगा, आप लीजिए इसको पढ़िए तो आपके लिए नौकरी बिल्कुल ईजिली लग सकती है। इसका फिर देखें एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट, अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, आपको हमारे हॉस्टल में आना है, तो अभिषेक कोचिंग सर्विसेज दलसिंह सराय, जो कि बिहार में आता है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और व्हाट्सएप का नंबर है। आपको मुझसे अगर कॉन्टैक्ट करनी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, 8406-891116। इसके अलावा सारे डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको मुझसे पेमेंट करना, अगर आपको मुझसे मास्टर नोट्स लेना है, तो इसका जो प्राइस है स्मार्ट वीडियो कोचिंग मास्टर नोट दोनों मिला करके है, वो 1700 रुपीज़ है इसका प्राइस। ये कभी कभी आगे और पीछे होती रहेगी, तो इसके इतना पेमेंट आपको पेमेंट करना है अभिषेक कोचिंग सर्विस से। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर, ये रहा आपका, बैंक का भी डिटेल है, और बाद बाकी चीज़ें आपको हमारे व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आई होप कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी, हम उम्मीद करते हैं आपको अगर कोई भी डाउट बच गया होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे डायरेक्टली पढ़ना चाहते हैं हमारे हॉस्टल में आकर के, तो आप बिल्कुल आकर पढ़िए, आपकी नौकरी की गारंटी बिल्कुल मेरी रहेगी। आप हमारे यहाँ से पढ़ करके काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो आप भी सेलेक्ट हो जाइएगा, थैंक यू सो मच।